Hi everyone, in this video we are going to discuss about shortest distance between skew lines in vector form. देखिए हमने लास्ट वीडियो पे ना ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का एक मेथड ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में एक दूसरा मेथड देखेंगे, दैट इज इन वेक्टर फॉर्म। जनरली क्वेश्चन क्या होता है ना, कभी कभार कार्टेशियन फॉर्म में पूछता है, कभी कभार वेक्टर फॉर्म में पूछता है, ठीक है ना। तो दोनों मेथड आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और एक चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और ये डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना, जैसे लास्ट वीडियो पे अपने किए थे, यहाँ पर ना ज्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे कि फॉर्मूला कैसे बना, बस आपको टू द पॉइंट वाला बात आपको बताऊंगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। जो बच्चा पहली बार भी वीडियो देख रहा है ना, या फिर पहली बार 3D कर रहा है ना, वो भी समझ जाएगा, इतना आसान है ये नंबर, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक तो क्वेश्चन जनरली आता कैसे है, आपको दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया जाएगा कुछ इस प्रकार, आई कैप प्लस जी कैप माइनस के कैप प्लस लामड़ा टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप। ये हो गया पहला लाइन का नो इक्वेशन जो कि वेक्टर फॉर्म में। और जो दूसरा लाइन है वो भी आपको दिया जाएगा सेम फॉर्मेट में, 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये हो गया दो लाइन और आपको पूछा जाएगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, ठीक है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म में है तो देखिए सबसे पहले ना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको चार पैरामीटर ढूंढ लेना है। सबसे पहला काम तो वो ओ करिए, ठीक है। वो चार पैरामीटर क्या है, a1 a2 b1 एंड b2। देखिए a1 a2 b1 b2। अब आपका जानकारी के लिए बता दूं, a1 और a2 क्या है, a1 ये वाला है, ठीक है ना। जैसे देखिए पूरा एक्सप्रेशन में देखेंगे तो एक वेक्टर किसी एक स्केलर के साथ, a हो गए अननोन नंबर, किसी अननोन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा और बाकी दूसरा वेक्टर इंडिपेंडेंटली होगा, ठीक है। उसको आप बोलोगे a1। a1 एक्चुअली में क्या है, ये लाइन कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। हालांकि वो अगर नहीं भी जानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बस ये जान लीजिए जो अलग से वेक्टर है वो हो गया पहला लाइन का a1, पहला लाइन का a1। तो यहां पर मैं लिखता हूं i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक उसी तरह अगर दूसरा लाइन का अगर हम पूछते हैं कि कौन सा a होगा, तो ये वाला, क्योंकि ये दूसरा लाइन है तो इसका नाम a2 रख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 4i कैप माइनस k कैप, हो गया a1 a2। अब आपको b1 एंड b2 खोजना है। b1 b2 क्या है, b1 जैसे मैंने बोला एक अननोन होगा, उस अननोन के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसको b1, अगर वो पहला लाइन है, और दूसरे लाइन पे जो अननोन के साथ मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा आपका b2। जनरली b1 एंड b2 ना लाइन 1 और लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो होता है। B1 और B2 लाइन 1 और लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो होता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो B1 को मैं लिख लेता हूं यहां पर 3i कैप माइनस j कैप, और B2 को भी लिख लेता हूं 2i कैप प्लस 3k कैप। हमने B1 B2 लिख लिया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ना बच्चों फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आपको करना कुछ है नहीं, जो फॉर्मूला में लिखा गया है टर्म बस उसको एक एक करके निकालना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है और आंसर आपका निकल गया, इतना आसान है ये। तो सबसे पहले अपने ये वाला कर लेते हैं, a2 माइनस a1, a2 की जगह में आप a2 लिखिए, 4i कैप माइनस k कैप माइनस a1 की जगह में a1 लिखिए, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, हो गया।
अब आई वाला आई के साथ माइनस होगा, जे वाला जे के साथ, और के वाला के साथ, ठीक है। तो दिस माइनस दिस करिए, 4i - i, ये हो गया आपका 3i। जे तो है नहीं तो यहाँ माइनस जे खाली आएगा इसका, और के में वो कट जाएगा, ये माइनस वाला के और ये माइनस माइनस प्लस के, वो कट जाएगा, छोड़ दीजिए। अब b1 क्रॉस b2 करेंगे। b1 क्रॉस b2 भी बहुत आसान होता है, आई होप आप सभी को पता होगा। पहले i j k लिखिएगा हमेशा, उसके बाद जो b1 का कोफिशियंट होगा जितना वो लिखिए, i वाला कोफिशियंट i के नीचे, तो 3, j का -1 और k तो है नहीं तो 0। b2 के लिए 2 0 3। अब आपको डिटर्मिनेंट आता होगा ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले i वाला कॉलम छोड़ेंगे, i वाला रो छोड़ेंगे, यहाँ i लिख के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो इट विल बी i - 3। फिर यहाँ -j लिखेंगे और j वाला कॉलम छोड़ेंगे, पहला रो छोड़ दिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो इट विल बी 9। फिर प्लस के, ये छोड़ दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो ये हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया -3i कैप -9j कैप +2k कैप। देखिए हमने फॉर्मूला में जो टर्म था, जैसे ये निकाल लिया, ये था ये निकाल लिया, अब ये निकालना बाकी है b1 क्रॉस b2 की मैग्नीट्यूड। तो b1 क्रॉस b2 की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। जो b1 क्रॉस b2 आया है उसमें जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर करके बस आपको प्लस कर देना है, स्क्वायर करके बस प्लस कर देना है। सो जब स्क्वायर करके प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 81 और ये हो गया 4, 94 बन गया, हो गया सारा डाटा आपने निकाल लिया। अब आपको कुछ करना नहीं है, सबको जाके पुट कर देना है। मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, a2 - a1 dot b1 cross b2 by b1 cross b2 की मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो a2 - a1 कितना आया था देख लीजिए, 3i - j आया था, मैं यहाँ लिखता हूँ 3i - j। b1 क्रॉस b2 कितना आया था, ये रहा -3i - 9j + 2k, -3i - 9j + 2k आया था। b1 क्रॉस b2 की मैग्नीट्यूड √94, अब इसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आपको आता होगा, फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करना, और i.i1 होता है, j और j को मल्टीप्लाई करना, j.j1 होता है, k को k के साथ मल्टीप्लाई करना, वो 1 होता है, बाकी किसी दूसरे के साथ अगर करोगे तो वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस करोगे, i आपका 1 हो गया, 3 - -3 आपका -9 हो गया, तो यहाँ -9, फिर -j और -9j मल्टीप्लाई करोगे तो वो +9 आएगा, j j 1 हो जाएगा, तो ये +9, और यहाँ पर तो k का है नहीं ना, तो वो 0 है, और इधर जो भी रहेगा वो 0 होगा, छोड़ दीजिए, √94। देखिए ये तो कट गया ना, ये तो 0 हो गया, 0/94 का रूट 0 हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना मिला, 0। अब एक चीज बता देता हूँ, और यही क्वेश्चन को ना आपको डिफरेंट तरीके से भी पूछ सकता है, पता है क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि सो दैट द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, आप ये प्रूव करिए या फिर ये शो करिए कि जो दो लाइन दिया गया है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी दो लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा ना। अब लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 0, ठीक है। तो वो आप इसी तरीके से करोगे, अगर वो पूछ रहा है कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो आपको करना क्या है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेना है,
डेफिनेटली आपका शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो आएगा, और शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो आएगा ना, तो आप लिख दीजिएगा द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, प्रूफ्ड। ठीक है, सो आई होप कि ये वेक्टर मेथड भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितना भी आसान लगे आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके सीख पाओगे। ठीक है ना, तो इस रिलेटेड प्रॉब्लम और दो चार तो आप कर लीजिएगा खुद से, और आप चाहो तो हमें सेंड कर सकते हो, वो मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, और दूसरा चीज़ ये है कि मैं आपको पहले भी बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में 100% सही तरीके से सॉल्व करो और फुल मार्क्स उसका आपको मिल जाए, ये आपका एम होना चाहिए। ठीक है ना, सो इस वीडियो पे इतना ही बात करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, वहाँ पर कुछ और नंबर्स और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताऊँगा। सो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।